स्वागत है दोस्तों अपने YouTube चैनल आईटीआई टेक्निकल कोर्स में। दोस्तों आज आईटीआई परीक्षा जो 2022 में यानी 1 अगस्त से जो आपका एग्जाम होने वाला है उसमें बहुत कुछ गवर्नमेंट ने चेंज कर दिया है एग्जाम पैटर्न। आज आप लोगों को यही पूरा कंफर्म बता देंगे कि आपका पेपर कैसा होगा, कितनी टाइमिंग होगी, पेपर आपके कितने होंगे, उसमें से कौन कौन से सब्जेक्ट के कितने कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे और आप उसी के आधार पर तैयारी करना चालू कर दो। क्योंकि इस साल का फर्स्ट बदलाव है जो आईटीआई में बदला गया है यानी आपके जो आप पेपर होने वाले हैं उसमें बहुत कुछ चेंजेस कर दिया है। आज मैं उसी कंप्लीट बताएंगे यदि आप 2020 में एडमिशन लिए हो या आप 2021 में एडमिशन लिए हो, फर्स्ट ईयर के हो या सेकेंड ईयर के स्टूडेंट हो, सभी का पैटर्न चेंज हो गया परीक्षा का। ठीक, आप लोग अभी तक शायद ही आपको मालूम होगा कि हमारा पेपर कैसा होने वाला है, और नहीं मालूम तो लास्ट तक वीडियो वीडियो देख लेना क्योंकि सारी इंफॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। जैसे मैं देख यहां पे लिख देता हूं, यदि आप 2021 वाले या 2020 में एडमिशन लिए हो, आप अभी सेकंड ईयर पे हो, यदि आप 2021 में एडमिशन लिए हो तो आप फर्स्ट ईयर पे हो। आपको ये कंफर्म होना चाहिए कि आप कौन से ईयर पे हो। यदि आप 2020 में एडमिशन लिए हो आप फर्स्ट हो सेकंड ईयर पे हो, यदि आप 2021 में एडमिशन लिए हो सेकंड ईयर पे हो, दोनों लोग देख लेना, दोनों का पैटर्न चेंज हो गया। एग्जाम का पैटर्न बदला गया है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए कि आपका पेपर कैसा होगा। क्या सारे पेपर एक साथ होंगे? यदि एक साथ होंगे तो कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का कितने सब्जेक्ट में आ रहे हैं, सारी चीज मालूम होना चाहिए। इसके पहले छोटी सी इंफॉर्मेशन और दे देता हूं कि आपके एग्जाम चालू कब से हो रहे हैं, आपके पेपर होंगे कब से। आप यदि फर्स्ट ईयर पे हो या सेकंड ईयर पे हो, सभी का पेपर 1 अगस्त 2022 से चालू हो जाएंगे और 5 अगस्त 2022 तक प्रैक्टिकल चलेगा। ठीक, अब आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए, जो आपकी प्रैक्टिकल की पेपर होंगे 1 अगस्त से 5 अगस्त के बीच प्रैक्टिकल पेपर होगा। फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर, सभी का पेपर प्रैक्टिकल का पेपर 1 तारीख से लेकर 5 तारीख के बीच हो जाएगा। ये हुआ ऑफलाइन पेपर होता है। अब आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये पेपर ऑफलाइन होता है। अब ऑनलाइन पेपर की बात करते हैं या सीबीटी, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट इसको बोला जाता है। अब इसके बारे में देखें। ठीक, यदि ऑनलाइन पेपर की बात करें तो यदि आप फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हो, फर्स्ट ईयर, तो आपका पेपर होगा 8 अगस्त से लेकर, आपका पेपर 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक होगा, यानी 10 दिन आपके पेपर सीबीटी एग्जाम पेपर फर्स्ट ईयर वाले स्टूडेंट चलेगा। फर्स्ट ईयर के हो, 8 अगस्त से ऑनलाइन पेपर चालू होगा, 19 अगस्त तक चलेगा। ये चलते हैं फेस बाय फेस, आपका किसी एक दिन पेपर होगा। अब किस दिन होता है, जब आपका एडमिट कार्ड मिलेगा तब होगा। सेकंड ईयर स्टूडेंट की ऑनलाइन पेपर जो होगा, सेकंड ईयर के स्टूडेंट जो हैं उनका पेपर जो होगा 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक उनका पेपर होगा। ये डाउट खत्म होना चाहिए कि सर हमारे पेपर कब से चालू हो रहे, कब होंगे। देख लो एक बार, आओ, ऑफलाइन पेपर प्रायोगिक पेपर बोला जाता है, जो प्रैक्टिकल के पेपर होंगे वो पेपर 1 अगस्त 2022 से लेकर 5 अगस्त 2022 तक चलेगा। फिर इसके बाद ऑनलाइन पेपर जिसको अपन लोग सीबीटी पेपर बोलते हैं, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, ये पेपर फर्स्ट ईयर वालों का 8 अगस्त से लेकर 19 अगस्त तक चलेगा, यानी 10 दिन ये पेपर चलेगा। इसमें किसी एक दिन आपका पेपर होगा, कभी भी हो सकता है 8 से 19 के बीच आपके एडमिट कार्ड में टाइम दिया रहेगा। सेकंड ईयर की बात करते हैं, सेकंड ईयर की स्टूडेंट 20 अगस्त से लेकर 30 अगस्त तक इनका पेपर होगा, किसी एक दिन इनका भी पेपर होगा। अब आपको मैं बता देता हूं अपने मुताबिक कि आपके पेपर में कितने क्वेश्चन आएंगे, टाइमिंग क्या रहेगी, आपको तैयारी कैसे करनी है। अब आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट करूंगा कि आप लोग चैनल पे नए हो तो चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लेना,
क्योंकि इस तरह के नए नए नोटिफिकेशन जैसे ही डीजीटी जारी करता है आपको मिल जाता है हमारे चैनल पे। ठीक, अब फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर स्टूडेंट हो, मैं सभी का डाउट खत्म कर देता हूं कि आपके पेपर एक्चुअल पे होंगे कैसे और कैसे कैसे आपको तैयारी करनी है। पहले तो मैं उन स्टूडेंटों की बात करूंगा जो स्टूडेंट 2020 में एडमिशन लिए थे। ठीक, चलो, ऐसे स्टूडेंट 2020 में एडमिशन लिए थे जिसको बोला जाता है सेकंड ईयर। अब ये देख लो, आपके प्रैक्टिकल के पेपर खत्म कर दिए मैं पहले ही, अब आपके पेपर होंगे थ्योरी प्लस वो ड्राइंग प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन WCS जिसको बोलते हैं प्लस ES इम्प्लेबिलिटी स्किल। इसके पहले जो DGT एक नोटिस जारी किया था उसमें इम्प्लेबिलिटी स्किल खत्म कर दिया था, बोला था कि अब ये नहीं आएगा, यानी इसका बोला था कि इम्प्लेबिलिटी स्किल का सेशनल नंबर पे आपको नंबर दिया जाएगा। मगर अभी जो 23 जून को एक कॉन्फ्रेंस में बात हुई DGT नई दिल्ली के द्वारा एक मीटिंग हुई जिसमें इम्प्लेबिलिटी स्किल को भी रखा गया और इम्प्लेबिलिटी स्किल के भी क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं जिसका लिखित जवाब आ चुका है। ठीक, इस लिखित जवाब के अनुसार मैं आपको बता रहा हूं कि इम्प्लेबिलिटी स्किल का पेपर होगा। आपके पेपर की जो टाइमिंग रहेगी, टाइमिंग 120 मिनट का रहेगा, यहां पे मिनट की बात किया है, यानी 2 घंटा का आपका पेपर चलेगा। ट्रेड थ्योरी के आपके 38 क्वेश्चन रहेंगे, ड्राइंग के क्वेश्चन 6 रहेंगे, WCS वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन रहेंगे, इम्प्लेबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन रहेगा। प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी ये 2 नंबर की ये होगा, ये टोटल 76 का रहा है। 2 नंबर के यानी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, 12 नंबर की ये आ रहा है। ये भी प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेगा जिसमें से 12 नंबर की ये आ रहा है, ये भी 2 का रहेगा, 50 का ये आ रहा है। 76, 12, 12, 24 प्लस 100 और 100 प्लस 50 बराबर 150 नंबर का यानी मार्क्स का आपका पेपर होगा। टोटल पेपर 150 नंबर को होगा जो 120 मिनट में की जाएगा और जो क्वेश्चन पेपर आएंगे 75 क्वेश्चन यानी प्रश्न पूछे जाएंगे। अब आपको डाउट नहीं होना चाहिए, आपके पेपर की टाइमिंग होगी 120 मिनट जिसमें सभी पेपर एक साथ होंगे, थ्योरी को होगा, ड्राइंग को होगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन को और इम्प्लेबिलिटी स्किल सभी को एक साथ कर दिया गया है। थ्योरी के क्वेश्चन 38 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा, यानी 76 नंबर की आपकी थ्योरी पूछी जाएगी। इसी तरह ड्राइंग के 6 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के रहेंगे, यानी 12 नंबर की ड्राइंग पूछ रहा है। वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6 क्वेश्चन रहेंगे, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के हैं, 12 नंबर की ये रहेगा। इम्प्लेबिलिटी स्किल को बढ़ा दिया गया, 25 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन 2 नंबर के, 50 नंबर के क्वेश्चन ये आ रहे हैं। टोटल 150 नंबर के क्वेश्चन पेपर रहेगा और प्रश्न जो रहेगा 75 रहेगा। ठीक, अब आप लोग को डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारे पेपर कैसे होगा कैसा नहीं होगा, क्योंकि नया लेटर जारी हो गया है, नया पैटर्न जारी हो गया है। अब आप लोगों को इस तरह से पढ़ाई करना है कि थ्योरी के 76 नंबर की तैयारी करना है, ड्राइंग सिर्फ 12 नंबर की तैयारी करना है, वर्कशॉप कैलकुलेशन की 12 नंबर तैयारी करना है और इम्प्लेबिलिटी स्किल के सिर्फ 50 क्वेश्चन की यानी सॉरी 50 नंबर की तैयारी करना है। अब आपके पेपर की बात करें, पेपर सिर्फ एक दिन होगा, पेपर एक दिन होगा। इसी तरह के 2021 में जो स्टूडेंट एडमिशन लिए थे उनका भी पैटर्न सेम कर दिया है, यानी आप फर्स्ट ईयर पे हो तो आपका भी यही पैटर्न रहेगा, यानी आपके भी थ्योरी का जो पेपर होगा और प्लस वर्कशॉप कैलकुलेशन का प्लस ईडी का जो इंजीनियरिंग ड्राइंग होती है प्लस इम्प्लेबिलिटी स्किल का, आपका भी पेपर कुछ इसी तरह होगा। यानी आपके पेपर में भी 38 क्वेश्चन थ्योरी का रहेगा, वर्कशॉप कैलकुलेशन के 6, ईडी के 6, इम्प्लेबिलिटी स्किल के 25 क्वेश्चन, यानी सारे क्वेश्चन पेपर में बदलाव हुआ है, पैटर्न चेंज हो गया है। अब आपको कुछ इस तरीके से तैयारी करना है कि हमारे क्वेश्चन पेपर पे दिक्कत ना आए।
अब आपको सिर्फ ड्राइंग के 12 नंबर में, WCS 12 नंबर और इम्प्लेबिलिटी स्क्रीन थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि 50 क्वेश्चन का देख दिया, पेपर सिर्फ एक होगा, ऑनलाइन पेपर होगा, सीबीटी पेपर होगा। अब आपको सिर्फ पढ़ाई कुछ इस तरीके से करनी है, इसके हिसाब से करनी है, क्योंकि बहुत दिनों बाद आईटीआई में कुछ बदलाव आया है। बदलाव यही है, पहला पेपर हमारा प्रैक्टिकल कब होगा जो ऑफलाइन होता है, दूसरा पेपर जो ऑनलाइन होगा यानी सीबीटी पेपर होगा, तो कुछ उसमें थ्योरी, ड्राइंग, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल रहेगी। टाइमिंग की बात करें तो 120 मिनट यानी 2 घंटा पेपर का टाइम करने को रहेगा। टोटल क्वेश्चन 75 प्रश्न रहेंगे। टोटल नंबर की बात करें 150 नंबर का सारे क्वेश्चन मिला के दे दिया जाएगा। अब आप लोगों को एक खबर और है, अब आपका फॉर्म भरा रहा है ऑनलाइन एग्जाम फॉर्म। आप लोग अपने अपने आईटीआई में संपर्क करो, पहले फॉर्म भरो। यदि आपका फॉर्म नहीं भरा है तो आप किसी भी प्रकार के एग्जाम में हॉल टिकट मिलेगा नहीं, आप एग्जाम नहीं देख पाओगे। सबसे पहले आप अपना फॉर्म भरवाओ आईटीआई में, इसकी डेट है 30 तारीख, 30 जून तक आप फॉर्म आसानी से भर सकते हो। क्यों? क्योंकि इसके बाद जुलाई में सारे पेपर की तैयारी हो जाएगी और 1 अगस्त से आपका पेपर चालू हो जाएगा। अब आपको कैसे तैयारी करना है, कंप्लीट इसको बिल्कुल रटना चालू कर दो, थ्योरी के क्वेश्चन, ड्राइंग के क्वेश्चन, वर्कशॉप, कैलकुलेशन के, एम्प्लॉयबिलिटी स्किल के, क्योंकि 150 में कम से कम 130 लाएंगे तब जाके आपका परसेंटेज अच्छा खासा बनेगा। ये थी आज की नोटिफिकेशन, और जो आप लोगों को डाउट था कि पेपर हमारा कैसा होगा, क्या टाइमिंग रहेगी, टोटल प्रश्न कितने रहेंगे, टोटल नंबर कितना रहेगा, टाइमिंग की बात कर दिए 2 घंटा, टोटल प्रश्न 75 रहेंगे, 150 नंबर का रहेगा, यही आपके सारे रहेंगे। कौन कौन से सब्जेक्ट में कितने क्वेश्चन आने वाले हैं वो भी आपको डाउट खत्म हो गया होगा। यदि अभी भी किसी भी प्रकार का डाउट हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स कर सकते हो, कमेंट सेक्शन से पूछ सकते हो, और चैनल पे नए हो चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना। यदि आपको पढ़ाई करना है इम्प्लॉयबिलिटी स्किल, वर्कशॉप, कैलकुलेशन, ड्राइंग, थ्योरी, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, प्ले लिस्ट में एक बार विजिट कर लेना, सारी चीज आपको स्टडी मटेरियल मिल जाएगी, क्योंकि इतना अपलोड कर दिया गया है कि आप उसको पढ़ सकते हो, पास आसानी से हो सकते हो, क्योंकि सारे बच्चे इसी तरह कर रहे हैं। नेमी पैटर्न से भी क्वेश्चन आ रहे हैं, नॉन नेमी क्वेश्चन से भी आ रहे हैं, तो आपको दोनों तरह से तैयारी करना है। ठीक, थैंक यू।